So today we are going to start a lecture on vitamin B6. Vitamin B6 के हम देखेंगे sources क्या है इसके, और उसके जो है vitamins क्या है. Then उसके बाद हम discuss करेंगे RDA के बारे में, biochemical functions. उसके बाद हम देखेंगे उसके जो deficiency हो रही है तो किस वजह से हो रही है, और अगर deficiency हो रही है तो उसकी वजह से complications क्या हो सकती है वो भी हम discuss करेंगे. देन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो सकती है वाइटामिन B6 की, और कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें हम वाइटामिन B6 दे सकते हैं. उसके बाद हम सारे उसके देखेंगे ट्रीटमेंट भी और टॉक्सिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो वाइटामिन B6 एज यूजुअल दिस इज ऑल्सो वाटर सोलबल वाइटामिन. वाटर सोलबल वाइटामिन, सोलबल वाइटामिन आल्सो नॉन एज पैराडॉक्सिन. पैराडॉक्सिन वाइटामिन B6 जो है ये नियासिन के फॉर्मेशन में भी वाइटल रोल प्ले करता है, तो ये एज अ प्रिकर्सर वर्क करता है. हम देखेंगे आगे इसके बायोकेमिकल फंक्शन में एक स्पेशल रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है जिसको ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कैसे फॉर्मेशन होती है, हम उसमें देखेंगे कि वाइटामिन B6 कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट वहां जाने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द वाइटामर्स ऑफ वाइटामिन B6. तो हम देखते हैं दे हैव थ्री डिफरेंट वाइटामर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स. वाइटामर्स तीन वाइटामर्स होते हैं इसके. पहला तीन वाइटामर्स, द वेरी फर्स्ट वन हियर विल बी मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हियर विल बी थाइल अल्कोहल. अगर इसके यहां पे अल्कोहल ग्रुप लगा लाइक दिस अल्कोहल ग्रुप, तो दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिन. डॉक्सिन क्लियर. सेम स्ट्रक्चर अगेन CH2OH अगेन CH3. हेयर वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिल. डॉक्सिल क्लियर. द थर्ड वन इज अगर इसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा यहां पे CH NH2. सही है. अगर यहां पे अमाइन ग्रुप लगा सेम हाइड्रोक्सिल सेम मिथाइल और यहाँ पे CH2OH अमाइन ग्रुप लगा, दिस इज नोन एज पायरोडॉक्सीअमाइन. डॉक्सी अमाइन. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप वी आर डिवाइडेड वाइटामिन B6 इनटू थ्री इंपॉर्टेंट वाइटामर्स जिसके स्ट्रक्चर ये है, हमने ड्रॉ कर लिए. अगर यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा या फिर कीटो ग्रुप लगा तो अकॉर्डिंग इसकी जो है पैराडॉक्सीअमाइन एंड पैराडॉक्सिल. नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाइटामिन B6? ठीक है, रिलेटेड टू द सोर्सेज हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिसमें वाइटामिन B6 हमें मिल सकता है. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स मीट, सेकंड विल बी व्हीट, फिश, मिल्क, अदर देन दिस कुड बी राइस, अदर देन दिस पीनट, peanuts and cereals etc. They are the rich sources of vitamin B6. Okay, sources के अलावा और क्या important चीजें हैं जो हम discuss करेंगे इस lecture के अंदर. The very important one is RDA. Regular जो allowance होती है हम कितने दे सकते हैं, this is 2 mg per day. Okay, clear. ओके, व्हाट आर द
important biochemical reactions. Biochemical reactions. This is the most important part. जो विटामिन B6 होता है ये छह टाइप के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है. द फर्स्ट वन इज व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर ट्रांसमिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज ट्रांसमिनेशन रिएक्शन. ट्रांसमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होती है दे आर कन्वर्टेड इंटू कीटो एसिड्स. ये रिएक्शन इसको कैटलाइज करता है हमारा पैराडॉक्सल. पीएलपी पैराडॉक्सल फॉस्फेट. डॉक्सल फॉस्फेट पैराडॉक्सल फॉस्फेट अगर हम इसके एक्टिव फॉर्म को देखें जो हमारा एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 का. सो एक्टिव फॉर्म इज पैराडॉक्सल फॉस्फेट आल्सो नोन एज कोएंजाइम. ये है एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम की जो कि वेरियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है. हम देखेंगे कि कौन कौन से वो रिएक्शन है जिसको ये कैटलाइज करता है. द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिनेशन रिएक्शन. अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड बाय द एंजाइम ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक्टिविटी. उसके बाद क्या होता है दीज कीटो एसिड्स आर फर्दर इंटर इनटू द टीसीए साइकिल. ओके टीसीए साइकिल में एंट्री के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एनर्जी ये हमें एटीपी देते हैं 3 ATP इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द टीसीए साइकिल और अलोंग विद द एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिलीज्ड. ओके दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. द सेकंड रिएक्शन इज अदर देन ट्रांसमिनेशन रिएक्शन दे आर इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विटामिन B6 आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें विटामिन B6 जो है वाइटल रोल प्ले करता है. द फर्स्ट वन इज फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टो दे आर कन्वर्टेड बाय द PLP इंटू सेरेटोनिन. सेरेटोनिन ओके. द सेकेंड वन इज अलोंग विद दिस CO2 इज रिलीज. डोंट फॉरगेट अबाउट दिस. द सेकेंड वन इज डोपा. डोपा इज कन्वर्टेड इंटू डोपामीन प्लस नॉर एपिनेफ्रीन प्लस एपिनेफ्रीन. ये रिएक्शन भी इसको कौन कैटलाइज करता है अगेन योर ब्यूटीफुल पैराडॉक्सल फॉस्फेट. ओके अदर देन दिस द थर्ड रिएक्शन. थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज यहां पे ग्लूटामेट जो है ग्लूटामेट इज ऑक्सीडाइज बाय द PLP and this converted into the GABA जो कि inhibitory neurotransmitter है. Glutamate is excitatory in nature and GABA is inhibitory in nature. So they are playing a vital role जो है हमारे body के अंदर several conditions several चीजें जो है ये play करती हैं vital role play करती हैं. So they are involved in the decarboxylation reaction. So we can say that vitamin B6 is involved in the formation of several neurotransmitter. अगर इनकी deficiency हो तो there will be deficiency of these neurotransmitter also. ओके द थर्ड वन इज थर्ड रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द विटामिन B6 इज ट्रांस सल्फोरेशन रिएक्शन. सल्फोरेशन रिएक्शन ट्रांस सल्फोरेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम मिथियोनिन को कन्वर्ट करते हैं सिस्टीन में और एंजाइम इसके ऊपर ऐड करता है. हम देखते हैं here we converted
methionine is converted into cysteine. एंजाइम यहां पे जो ऐड करता है इसको हम कहते हैं सिस्टीन बीटा सिंथेस और उसके साथ साथ पीएलपी भी. इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ बोथ पीएलपी एंड सिस्टीन बीटा सिंथेस देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज होमोसिस्टिनीमिया होमोसिस्टिनूरिया विच विल लीड टू द सीवीएस मैनिफेस्टेशन सो दे आर ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल हेयर इन कन्वर्जन ऑफ इंटीनिन टू द सिस्टीन.